चिंग सेंटर मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स आज का बच्चों हम टॉपिक जो लेने वाले हैं डिफ्रेंशिएशन के कुछ नंबरकल्स हैं ठीक है इसमें हमने कुछ नंबरकल्स लिख रखा है और इन नम्बरकल्स को हम समझेंगे ये कैसे सॉल्व होंगे तो बच्चों हमने पिछले वीडियो में हमने चैन रूल सीखा था और डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन सीखा था ठीक है बच्चों यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो बच्चों आप फर्स्ट लेक्चर हैं सेकंड लेक्चर आप देख लीजिए उसका उसमें प्रूविंग बताया गया है चेन रूल से कैसे होगा ठीक है बच्चों तो बच्चों इसको हम प्रॉब्लम इसमें करीब ट्वेल्व नमरकस लिखे हुए हैं और हम इन इनको डायरेक्ट मेथड से और चैन रूल से इसमें हम सीखेंगे ठीक है बच्चों तो यदि बच्चों आप हमारे चैनल्स में नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन ठीक है बच्चों तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन में लिखा है साइन थ्री एक्स इससे पहले बच्चों देख लीजिए निम्न फलनों का हमें क्या निकालना है अवकल गुड़ान निकालना है तो साइन थ्री एक्स का डेरिवेटिव होगा क्या ठीक है तो सबसे पहले बच्चों हम चैन रूल सीख लेते हैं उसके बाद डायरेक्ट मैथड्स क्या होता है उसको सीखते हैं ठीक है बच्चो तो देखिए ध्यान से तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट समझते हैं सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं सोल्यूशन लिखूंगा सोल्यूशन यानी फर्स्ट देखिए सबसे पहले जो भी फंक्शन है यहाँ पे आप इसको y इक्वल टू मान लेंगे ठीक है y इक्वल टू कितना मैंने लिखा साइन थ्री एक्स लिख लिया इक्वेशन वन देंगे साइन सॉरी oh y इक्वल टू कितना बच्चों थ्री एक्स अब इसमें जो हम मैथड्स लगाने वाले हैं पहले हम चैन रूल सीखेंगे क्या होगा इसके बाद बच्चों हम डायरेक्ट मैथड सीखेंगे ठीक है तो देखिए सबसे पहले हम चैन रूल अप्लाई करेंगे इसको बच्चों हम लोग क्या लेट करेंगे यू लेट करेंगे यू इक्वल टू कितना बच्चों थ्री एक्स अब देखिए यू के स्थान यानी थ्री एक्स के स्थान पे वैल्यू में क्या पुट करूंगा यू पुट करूंगा तो देखिए मुझे मिलेगा क्या तो वाई इक्वल टू मुझे मिला कितना बताइए साइन यू मिल गया इसको हम इक्वेशन क्या दे सकते हैं थर्ड दे सकते हैं अब बच्चों देखिए सेकेंड जो इक्वेशन है ये एक्स में क्या है बच्चों फंक्शंस हैं तो अगर एक्स में फंक्शन है बच्चों तो हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना थ्री कॉन्स्टेंट है एक्स का डेरिवेटिव यानी कितना होगा वन होगा एक्स का अवकलन कितना होगा बच्चों वन ठीक है तो यहाँ मुझे मिला कितना थ्री अब इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे देखिए डी वाई अपॉन कितना देखिए यू है तो यू के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन होगा तो मैं यहाँ पे बच्चों क्या लिखूंगा यू के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए मुझे मिलेगा कितना डी अपॉन कितना बच्चों du यू इक्वल टू देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ d अपॉन डी यू और ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ बच्चों साइन यू अब बच्चों देखिए डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स इसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं डी अपॉन डी यू साइन यू का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस यू होगा ठीक है बच्चों तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस यू लिख देंगे ठीक अब देखिए हमें करना क्या है हमें बच्चों इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ मानना है और इसको इक्वेशन नंबर फाइव मानना है अब बच्चों इसमें हम करते क्या थे समीकरण थ्री फोर का मल्टीप्लीकेशन समीकरण फाइव से ठीक है अब इसमें देखिए जैसे ही मल्टीप्लीकेशन करेंगे समीकरण फोर मल्टीप्लाई कितना फाइव अब देखिए जैसे ही मल्टीप्लीकेशन मैं करूँगा तो यहाँ पर क्या है बताइए डी वाई अपॉन डी एक्स है तो आप लिख लीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं इसका भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ सॉरी बच्चों यहाँ पे क्या है डी यू अपॉन डी एक्स यहाँ पर क्या है डी यू क्योंकि मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन किया है तो चलिए मैंने क्या लिखा डी यू अपॉन डी एक्स इंटू मैं क्या लिखूँगा डी वाई अपॉन कितना बच्चों डी यू अब देखिए मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में इस तरह की इक्वेशन क्या होंगी कैंसिल होंगी तो बच्चों हमें मिलना क्या मिलेगा क्या डी बाई अपॉन डी एक्स बट इसको हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे ये चीज़ ध्यान देना ठीक ठीक है बच्चों क्योंकि ये u का फंक्शंस है फर्स्ट सेकेंड वाला और ये क्या है बच्चों सॉरी u वाला जो है फंक्शन x का है x का फंक्शन क्या है u है इसी प्रकार ये भी है ये किस में फंक्शंस है यू में है और ये किस में है बच्चों एक्स में है क्लियर बच्चों तो देखिए हमें यहाँ पर मिलेगा कितना डी बाई अपॉन डी एक्स और मुझे यही तो निकालना होगा तो डी बाई अपॉन डी एक्स बच्चों मुझे मिला कितना डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू देखिए इसकी वैल्यू कितनी है डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितना थ्री ए dy डी वाई अपॉन डी यू की वैल्यू कितना है बच्चों कॉस यू मैंने कॉस यू लिख दिया ठीक अब बच्चों ध्यान से समझिए कॉस यू यू मीन्स क्या यू मीन्स बच्चों थ्री एक्स ये मैं यहाँ से वैल्यू रख दूंगा थ्री एक्स तो बच्चों डी बाई बटे डी एक्स मुझे मिला कितना थ्री कॉस थ्री एक्स कितना मिला बच्चों थ्री कॉस थ्री एक्स इसको बच्चों हम चैन रूल मैथड्स बोल सकते हैं ठीक है इस प्रकार हम इनका डिफ्रेंशिएशन क्या कर सकते हैं सोल्यूशन कर सकते हैं अब बच्चों देखिए डायरेक्ट मैथड्स क्या होता है डायरेक्ट मैथड्स अब बच्चों हम इसको रफ कर सकते हैं आप वीडियो पॉज करके नोट कर दीजिएगा ठीक अब देखिए हम इसी क्वेश्चन को समझ लेते हैं इसके बाद हम सिमिलरली इसी प्रकार हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं ध्यान से समझना जैसे मैंने लेट किया वाई इक्ल टू कितना बच्चों वाई इक्ल टू कितना साइन थ्री एक्स साइन थ्री एक्स क्लियर है साइन थ्री एक्स अब हम इसका अवकलन x के सापेक्ष करेंगे और एक ही समय पर करेंगे ठीक है बच्चों तो देखिए हम x के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ठीक है बच्चों तो देखिए y का क्या होगा बच्चों डी वाई फॉर्न डी एक्स अब देखिए d अपॉन डी एक्स मैंने लिखा यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ साइन थ्री एक्स क्लियर है अब बच्चों ध्यान से देखना मैं जिसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा उसको मैं कैंसिल करते जाऊँगा साइन एक्स का इसको एक्स मानेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों cos एक्स होता है मैंने कॉस एक्स लिखा है एक्स जो भी है आप उसको लिख देंगे यहाँ पे कुछ भी बचेगा उसको आप एक्स मान के चलेंगे जो बचेगा उसको लिखना है अगेन जो बच रहा है उसका अगेन डेरिवेटिव होता है ठीक है अगेन हम इसका क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे अब बच्चों बताइए थ्री क्या है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पद क्या होते हैं बाहर निकाले जाते हैं अब देखिए यहाँ पे एक्स बचा और एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है बच्चों वन होता है तो बच्चों मिला कितना थ्री कौ। थ्री कॉस थ्री एक्स ठीक है बच्चों तो ये बच्चों आपका आंसर निकल के आ गया तो इस प्रकार बच्चों हम एक एक क्वेश्चन को ऐसे ही लगा सकते हैं या तो आप चैन रूल पहले प्रैक्टिस करिए यानी फोर फाइव सिक्स सेवन तक आप कुछ क्वेश्चन को लगाइए ऐसे ही चैन रूल से उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे हम डायरेक्ट मैथड यूज़ करेंगे क्यों क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है कि आप इसी मेथड से आप इसका डिफ्रेंशिएशन करिए ठीक है बच्चों तो यदि क्वेश्चंस में लिखा होगा तो आप उसी उसी टाइप से आप क्या करना अप्लाई करना अगर नहीं लिखा है तो मैं कोई भी मेथड यूज़ कर सकता हूँ ठीक है बच्चों तो देखिए हम इसमें सभी क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं इसमें और आप भी क्वेश्चन को लगाइए देखिए हम इसमें अगेन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना बच्चों सोल्यूशन यानी टू देखिए लेट y इक्वल टू कितना e की पावर फाइव एक्स e की पावर फाइव एक्स अब बच्चों ध्यान से देखना मैं डायरेक्ट मैथड अप्लाई करने वाला हूँ अप्लाई डायरेक्ट मैथड ठीक है देखिए x के सापेक्ष जब बच्चों आप अवकलन करेंगे तो e की पावर कितना बच्चों फाइव एक्स और मैं यहाँ बच्चों क्या लिख सकता हूँ d अपॉन डी एक्स ई की पावर फाइव एक्स लिखिए ऐसे ठीक अब देखिए बच्चों हमें सबसे पहले e की पावर x का e की पावर x का अवकलन करना है तो बच्चों आप पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों e की पावर x होता है तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा e की पावर x ही लिखूंगा जो भी है ई e की पावर फाइव एक्स है तो फाइव एक्स लिखिए अगर सिक्स एक्स होगा तो सिक्स एक्स लिखेंगे हज़ार एक्स होगा वन थाउजेंट होगा तो बच्चों वन थाउजेंड एक्स लिखेंगे ठीक है अब देखिए जो आपका ये जो फंक्शंस हैं कोफिशेंट जो हैं अब इसको हम बच्चों अगेन करेंगे डी अपॉन डी एक्स कितना बच्चों फाइव एक्स अब देखिए फाइव क्या है बच्चों कांस्टेंट है तो मैं फाइव क्या करूंगा बाहर निकालूंगा अब एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों वन होगा ठीक है तो आपका आंसर निकल के क्या है फाइव ई e की पावर फाइव एक्स इस प्रकार बच्चों क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं क्लियर है अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर टेन फाइव एक्स टेन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स अब सेक स्क्वायर यानी फाइव एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा फाइव होगा ठीक है फाइव कांस्टेंट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा वन होगा इसी प्रकार एक की पावर लॉग एक्स का देखिए बच्चों इसको देख लीजिए एक क्वेश्चन देखिए सबसे पहले यानी क्वेश्चन नंबर हम ले लेते ले ले हैं बच्चों ध्यान से समझना सोल्यूशन सोल्यूशन देखिए सोल्यूशन हम कितना लेते हैं यानी क्वेश्चन नंबर फोर का वाई इक्ल टू क्या कर लेते हैं बच्चों ई की पावर लॉग एक्स का e की पावर लॉग एक्स का डेरिवेटिव ठीक है बच्चों अब देखिए ई e की पावर एक्स का इसको पूरे एक्स मानिए इसको पूरे को हम क्या मानेंगे एक्स मानेंगे और ई e की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों ई e की पावर एक्स ही हो होगा क्लियर है तो मैं क्या लिखूँगा ई e की पावर देखिए वाई का डिफ्रेंशिएट यानी डी वाई डी एक्स चलिए e की पावर x का e की पावर log x अब देखिए बच्चों जो बच रहा है यानी e का डिप्रेंशिएशन हो गया अब हम क्या करेंगे log x का करेंगे बच्चों log x का अवकलन क्या होता वन अपॉन एक्स तो आपका आंसर निकल के आ गया e की पावर log x अपॉन कितना बच्चों x इसी प्रकार बच्चों आप क्वेश्चन नंबर फाइव को लगा सकते हो और इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर सिक्स को लगा सकते हो तो सिक्स को बच्चों जब लगाओगे ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा ई की पावर एक्स ही होगा अब इसमें बच्चों आप क्या लगाएंगे इसमें आप लगाएंगे यानी अंश बटे हर ठीक है यानी अंश बटे हर का हम लोग डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे होता क्या बच्चों हर इन अंश का ओकलम माइनस अंश इन हर का ओकलम बटे हर का स्क्वायर इस प्रकार आप पिछली कक्षाओं में बच्चों पढ़ चुके हैं तो आप इस क्वेश्चन को लगाइएगा ठीक है आप देखिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर सेवन लेते हैं ठीक देखिए सेवन नंबर क्वेश्चन है क्या हम समझ लेते हैं देखिए देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवन हमने लेट किया वाई इक्वल टू कितना बच्चों? वाई इक्वल टू कितना टेन फाइव एक्स और प्लस कितना बच्चों ई e की पावर फोर एक्स अब बच्चों इस तरह के फंक्शन अगर दिए होते हैं एडिशन में सब में ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है आप एक्स के सपे चौकन कर लीजिए डी डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ मैं क्या लिखूंगा डी अपॉन डी एक्स क्या लिखने वाला हूँ बच्चों टैन फाइव एक्स देखिए इसमें भी आप डी अपॉन डी एक्स लगा दीजिए ई की पावर कितना बच्चों फोर एक्स ठीक है बच्चों अब देखिए हमें करना क्या है बच्चों टैन सबसे पहले मैं किसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा टेन का टेन का क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स एक्स मीन जितना बच रहा है ठीक है अब फाइव e एक्स का यानी फाइव कॉन्स्टेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन यानी मुझे मिलेगा कितना फाइव इसी प्रकार ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स अब फोर एक्स का बच्चों कितना मिलेगा फोर मिल जाएगा तो इस प्रकार हम बच्चों क्वेश्चन को लगा सकते हैं ठीक है यानी टेन का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स फिर फाइव एक्स का यानी फाइव ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटू फोर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा फोर होगा तो मैं क्या लिखूंगा फोर फाइव सेक स्क्वायर फाइव एक्स प्लस कितना बच्चों फोर ई की पावर फोर एक्स तो बच्चों ये आपका आंसर निकल के आ गया ठीक है बच्चों डिफ्रेंशिएशन बच्चों बहुत ही आसान चैप्टर है यदि आपको डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है जो मैंने क्लास एलेवेंथ की डिफ्रेंशिएशन के कुछ वीडियो बनाए हुए हैं तो आप बच्चों प्ले, प्ले लिस्ट में जाइए वहाँ पे और वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नाम का एक यानी फोल्डर बना होगा आप उसमें सभी वीडियो आप सीरियल वाइज से उसको देखिए ठीक है बच्चों यदि आप देखेंगे तो आपको यानी जो क्लास ट्वेल्थ का है लेक्चर वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा क्योंकि उसमें मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं बहुत ही अच्छी तरह से बनाए हैं और मैं आगे भी जितने भी वीडियो बनाऊंगा बच्चों इसी तरह बनाऊंगा ठीक है बच्चों आपको कभी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होगा आप बच्चों मैथमेटिक्स बहुत इजी ईजी तरीके से लगाइए मैथमेटिक्स बहुत ईजी होता है मैथमेटिक्स क्या होता है बच्चों बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है आप इसको अच्छे से लगाइए अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करिए ठीक है बच्चों तो बच्चों इसी तरह हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी हम लोग लगा सकते हैं चलिए हम एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं इसमें देखिए हम लोग देख लेते हैं देखिए मैं आपको मैथड्स बता रहा हूँ देखें अगर मैं सोल्यूशन एट की बात करूँ ठीक है सोल्यूशन एट की तो देखिए सोल्यूशन एट क्या होगा बच्चों वाई इक्वल टू कितना इक्वल टू लॉग सेकस आप देखिए बच्चों जिसका हम डिफ्रेंशिएशन करते जाएंगे उसको क्या करेंगे कैंसिल करते जाएंगे जैसे देखिए समझिए डी वाई कितना डी एक्स चलो बताओ लॉग का औकलन वन अपॉन एक्स वन अपॉन एक्स मतलब सेक एक्स वन अपॉन सेक एक्स अब बच्चों सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स तो हम लोग क्या ले सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स तो देखिए बच्चों सेक्स से सेक एक्स क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा कितना बच्चों टेन एक्स तो देखिए आसान है कि नहीं मैथमेटिक्स बहुत ही आसान होता है मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स बच्चों आप अच्छी तरह से लगाइए जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप इसी तरीके से बच्चों लगाइए जितना हो सके आप इस क्वेश्चन को लगाइए नहीं आता है तो बच्चों आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉल यानी मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा आप प्लीज़ सॉल्व करके बताइए आप हमें तो हम जैसे ही मुझे मैसेज आएगा जैसे ही मैं उसको देखूंगा बच्चों तो आपके क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके जरूर भेजूंगा ठीक है बच्चों यदि बच्चो आप बच्चों आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ठीक है बच्चों तो आज का लेक्चर बच्चों हम यहीं पे फिनिश करते हैं थैंक यू वेरी मच